फटाक खबर सिर्फ 30 सेकंड में, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। भारत का पड़ोसी देश चीन अब साउथ चाइना सी में नहीं कर पाएगा दादागिरी। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश फिलीपींस ने मंजूरी दे दी है भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को, जिसके बाद अब दक्षिण चीन सागर से लद्दाख तक आंखें दिखा रहे चीनी ड्रैगन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल भारत की सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की मांग फिलीपींस काफी वक्त से कर रहा था, लेकिन अब भारत की ओर से दे दी गई है ये खतरनाक मिसाइल, जिसे चीन खाता है खौफ। भारत और फिलीपींस के बीच इस मिसाइल की डील करीब 37 करोड़ 40 लाख डॉलर में तय हुई है। ब्रह्मोस के लिए ये पहला विदेशी ऑर्डर है। जैसे ही भारत की ओर से इस मिसाइल को लेकर खबर आई, वैसे ही चीन की हालत खराब हो गई। हांगकांग से प्रकाशित अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपने एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा, फिलीपींस के दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल लेने के फैसले से उसकी सेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी। इस मिसाइल के जरिए फिलीपींस अपने तटीय इलाकों की रक्षा कर सकेगा। फिलीपींस का चीन के साथ साउथ चाइना सी में अधिकार को लेकर विवाद चल रहा है। ये खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को मिल गई है तब चीन को जबरदस्त नुकसान होना लाजमी है, क्योंकि फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में चीन के तानाशाही रवैये से जूझ रहा है। इस इलाके में चीन फिलीपींस समेत सभी 12 देशों के दावे को खारिज कर साउथ चाइना सी पर अपना एकाधिकार जता रहा है। चलिए अब बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत की। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल 3000 किलोग्राम वजनी एक परमाणु मिसाइल है। 300 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक की दूरी पर बैठे दुश्मन पर अचूक निशाना लगाती है। इसकी गति इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है और ये 4300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है, मतलब 1.20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। और अगर एक बार ये मिसाइल दाग दी जाए तो दुश्मन को बचने का या फिर हमला करने का मौका नहीं मिलता। यहाँ एक बात तो साफ पता चलती है कि चीन ये गलती से नहीं चाह रहा था कि उसका कोई भी दुश्मन उस पर इसी खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल से धावा बोल दे। लेकिन अब भारत की ताकत, भारत की विदेश नीति, भारत की कूटनीति के आगे चीन पस्त हो गया है। इस खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल ने दुनिया में भारत को इस होड़ में शामिल होने का मौका दिया है, क्योंकि मौजूदा समय में भारत की इस मिसाइल को खरीदने के लिए तमाम देशों की होड़ लगी हुई है। फिलीपींस के बाद ब्राजील, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए बेकरार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।